नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत न्यूज। बांका जिला के चांदर प्रखंड अंतर्गत कुसुमजोरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि की पत्नी अमृता देवी के कुशल नेतृत्व में पंचायत का सर्वांगीण विकास हो रहा है। वहीं सात निश्चय योजना के माध्यम से पंचायत में बेहतर कार्य भी किया गया है। देखिए, बांका जिला के चांदर प्रखंड अंतर्गत कुसुमजोरी पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र दास ने बताया कि अमृता देवी के कुशल नेतृत्व में पंचायत का सर्वांगीण विकास हो रहा है। सात निश्चय योजना के माध्यम से हर घर नल का जल, गली गली योजना के माध्यम से पंचायत में बेहतर कार्य किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ हमारे पंचायत में बड़े पैमाने पर लोगों को मिला है। मुखिया प्रतिनिधि ने आगे कहा कि इसके लिए मैं अपने पूरे पंचायत की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम लोग सपने में भी नहीं सोचते थे कि हम लोग पंचायत के कभी मुखिया बन पाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमारे पंचायत के सभी सम्मानित प्रबुद्ध जनता जनार्दन ने अपना बहुमूल्य वोट देकर अमृता देवी को मुखिया बनाया। इसके लिए मैं अपने पंचायत के सभी जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूँ और हम लोगों का प्रयास रहता है कि सरकार द्वारा जो भी संचालित योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे। सात निश्चय योजना हम लोग जो बनाया बिहार सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बना है, तो इसमें हम लोगों ने वार्ड सदस्य के नेतृत्व में जो हम लोग ट्रांसफ़र किए हैं पैसा, उसमें बहुत अच्छा रोड बना है और कारगर रहा है। हमारे पंचायत में पिछले साल में जो 15 साल में कार्य नहीं हुआ वो हम लोगों ने 5 साल में करके दिखाए। उस सभी के सहयोग से और सभी के मदद से हम लोगों ने बहुत अच्छा से किया है। ये कार्य गुणवत्तापूर्ण भी रहा है और जल नल भी हम लोग बनाए, पंचायत से बनवाए और वो भी पंचायत से जो बनवाए हम लोग बहुत अच्छा रहा है। और पंचायत में जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा ढंग से कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं सरकार से है और सरकार ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा ढंग से इन्होंने सात निश्चय का योजना को कार्य किया है। सात निश्चय योजना यदि नहीं लाता तो हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण जितना भी था उस तरह के नहीं हो पाता, इसलिए कि मुखिया और सरकार ने जो निर्णय लिया कि हर एक वार्ड को जोड़ना है। पहले था कि मुखिया और किसी वार्ड को देता था, किसी वार्ड को नहीं देता था, लेकिन मुखिया ने सरकार ने जो लगाया तो उस पर लगाया क्या कि हम लोग जो करेंगे वो लक्षित के आधार पर करेंगे। तो लक्षित दिया सरकार ने, जो पहले इतना वार्ड को देना है, फिर इतना वार्ड को देना है, फिर इतना वार्ड को देना है, इसी तरह कर करके हम लोगों को पूरा किया है। बहुत कुछ हम लोग अभी नहीं कर पाए, चाह करके भी कुछ कुछ रोड बच गया है। हम लोग जो देहाती क्षेत्र में है और जो ज़्यादा कीचड़ था, लोगों ने भी बहुत मदद किया, बोला कि नहीं इसमें कार्य होना चाहिए। और जो महामारी जो आया हम लोगों की कोरोना में, उसमें भी हम लोग सभी के सहयोग से, वार्ड सदस्य के सहयोग से हम लोगों ने अपना बहुत ढंग से उसको किया है। हम लोग प्रचार भी करवाए, गाड़ी से प्रचार करवाए, खुद हम लोग अपने से जाके प्रचार किए और साथ में साबुन और मास्क हम लोग बांटे, वार्ड वाइज बंटवाए। दो बार हम लोग साबुन और मास्क बांटे, सैनिटाइजर किए और ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करवाए। सभी वार्ड के सहयोग से सब लोगों ने कार्य किया निष्ठापूर्वक, कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं हुआ और हम लोग अभी तक पंचायत हमारा सुरक्षित है। इस कोरोना काल में हम लोगों ने उसको जिस तरह से हम लोगों ने समझाया उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से, जनता ने भी हमको बहुत मदद किया और जनता के मदद से भी हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा ढंग से कार्य। और जहाँ तक की बात है कि हम लोग इंदिरा आवास ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जो जाना जा रहा है, हम लोगों ने अभी मोटा मोटी क्या, हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस है कि एसी का जो जितना था हम लोग उसको दे चुके हैं और जो एसी जो छूटा हुआ था बाद में उसको हम लोग फिर से जोड़े और फिर उसको हम लोग देने का काम करेंगे। एसी कोटा का जितना था हम लोग दे चुके हैं और बाकी हमारा 700 जनरल कोटा का था, अभी हम लोग 450 लगभग दे चुके हैं और उसमें भी हमारा कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी बहुत अच्छा कारगर रहा है, लेकिन हमारे पंचायत में बहुत गरीब लोग था कि घर बनाने से बना नहीं पा रहा था। घर बनाने का सहयोग जो मिला उस सहयोग के माध्यम से हम लोगों ने, सरकार ने जो दिया पैसा, उसके सहयोग से बहुत बड़ा काम हुआ और गरीबों का जो झोपड़ी था उसके घर में आज पक्का का मकान बना है। बांका जिला के चांदा प्रखंड के अंतर्गत सिलजोरी के मुखिया कार्तिक दास ने सरकार द्वारा हर घर नल जल योजना को काफी सराहा है। वहीं उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि पंचायत में सर्वांगीण विकास के लिए और भी फंड की आवश्यकता है। मैं बढ़िया बंधु को सरकार द्वारा
चलाए जाए जाने वाले सात निश्चय योजना, जिसके अंतर्गत नल जल हर घर का नल जल योजना, नली गली योजना से संबंधित कुछ ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूँ, ताकि हमारी बात, हमारा संदेश सरकार तक पहुँच सके। मैं माननीय सरकार से, महोदय से ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो नल जल या नली गली योजना के तहत सरकार के द्वारा जो भी आवंटन का प्रावधान है, वो संबंधित पंचायत के भिन्न भिन्न गाँव की समस्याओं को देखते हुए उसे सुचारू रूप से आदर्श बनाने के क्षेत्र में अगर काम करने अगर हम लोग की इच्छा रखते हैं, तो उस आलोक में फंड का कम पड़ जाना महसूस होता है। समस्याएं इतनी है, इतने गांव की गलियां हैं जो कि अगर एक दो गली करने जाते हैं तो वहां पर पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेकिन आनुपातिक दृष्टिकोण से प्रत्येक वार्ड को लाभान्वित करना होता है और उस हिसाब से फंड की कमी महसूस होती है। हम ध्यानाकर्षण नहीं कराना चाहेंगे कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार इस पर ध्यान दे तथा फंड में बढ़ोतरी के और अपना अपनी ताकत को प्रशस्त करें, ताकि मुखिया को सुविधा हो सके विकास के क्षेत्र में और भिन्न भिन्न पंचायत के गांव को सबल, साफ और सुंदर बनाने में उन्हें सहयोग मिल सके। जमुई जिला के कोल्हुआ पंचायत अंतर्गत सिमरिया गांव में जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आयोजित टूर्नामेंट का उद्घाटन भाजपा जिला युवा मोर्चा के महामंत्री कुणाल सिंह ने किया। देखिए, जमुई जिला के कोल्हुआ पंचायत अंतर्गत सिमरिया गांव खेल मैदान में बाबा जखराज क्रिकेट क्लब पूर्वी कोल्हुआ द्वारा जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आयोजित टूर्नामेंट का उद्घाटन युवा समाज सेवी व भाजपा जिला युवा मोर्चा के महामंत्री कुणाल सिंह ने फीता काट कर और बल्ले से शॉट लगा कर किया। उक्त टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच युवा क्रिकेट ललमटिया 11 स्टार क्रिकेट क्लब गेरुआडीह के बीच खेला गया, जिसमें 11 स्टार क्रिकेट क्लब गेरुआडीह की टीम विजय होकर इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच जीत लिया। भारत, आपकी आवाज हमारी ताकत। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।